श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यह प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, ये प्रश्न था। ये दुनिया ऐसी क्यों है, ये प्रश्न नहीं था। संसारी लोग प्रश्न नहीं पूछते, संसारी लोग कंप्लेन करते हैं। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तुमको परेशान करने के लिए। ये जब तक के कंप्लेन करने का भाव मन में है, तब तक के साधक का जन्म नहीं हुआ। साधक वह है जो कंप्लेन नहीं करता, वो साधक है। तो यह प्रजा कहां से उत्पन्न होती है, तो उन्होंने बताया परमात्मा की इच्छा से होती है, हमारी इच्छा से नहीं होती है। और फिर कैसी उत्पन्न होती है, तो परमात्मा अपने शक्ति को जागृत करता है, तो जागृत शक्ति युक्त परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। सो कामयत, फिर उसने इच्छा करी, और इच्छा होने के पश्चात फिर मिथुनम उत्पादयते, मिथुनम आने एक जोड़ी उत्पन्न करी है। और फिर क्या वो जोड़ी है, क्या वो द्वैत है, इसका प्रसंग चल रहा है। तो उन्होंने एक के बाद एक शुरू कर दिया कि रईम च प्राणम च, रई माने प्रकृति, प्राण माने पुरुष, प्रकृति पुरुष की जोड़ी उत्पन्न करिए। उसके बाद यह पुरुष कौन है, तो बोले सूर्य जो है आकाश में यह पुरुष है, और जो चंद्रमा है वह रई है या प्रकृति है। इसीलिए स्त्री की उपमा देनी हो कि तुम्हारा मुख किसके जैसा सुंदर है, तो चंद्रमा के जैसा, जिस पर काफी काले धब्बे हैं। लेकिन लेडीज लोग समझती नहीं, उनको लगता है कि उनकी तारीफ हो रही है। नारायण, अच्छी बात है। अच्छा, उसके पश्चात यह सूर्य हो गया, प्राण प्रजापति, फिर संवत्सरो वही प्रजापति। ये सूर्य के कारण अब साल निर्माण हो गया, वर्ष, तो यह संवत्सर है, ये है प्रजापति। उसमें दक्षिणायन उत्तरायण है, उत्तरायण हो गया पुरुष और दक्षिणायन हो गया प्रकृति स्त्री। फिर उन्होंने ये बताया दसवें मंत्र में, अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचरेण श्रद्धया विद्या आत्मानं अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते। तो जो लोग इस संसार में फंसे हैं, वो चंद्रमा के पीछे लगे रहते हैं और पितृलोक में जाकर के सुख दुख की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जिन्होंने इनसे सबसे अपने मन को हटा लिया और आत्मानम अन्विष्य, अब उनका ध्यान प्रकृति की तरफ नहीं, अब उनका ध्यान अपने स्वयं की तरफ है। देखो, हम लोग जगत में जीते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ है, इससे पता चलता है कि हम कौन सी स्थिति में है। साधु संत प्रश्न का उत्तर देते समय प्रश्न का उत्तर नहीं देते, वो देखते हैं कि पूछने वाला किस दृष्टिकोण से पूछ रहा है। और ये बात जिसको समझ में आती है वही समाधान दे सकता है। तो जिन्होंने अब दुनिया से हटा लिया मन को और आत्मानम अन्विष्य, फिर अपने आप को पहचानने के लिए आदित्यम अभिजयन्ते, अब वो आदित्य की, प्राण की माने अपने स्वरूप की उपासना करने लग जाते हैं। एतद् वै प्राणानाम आयतनम, और यह जो पुरुष है, मैं है, जो भी कुछ मैं हो, डजंट मैटर, यह जो मैं है इसका अनुसंधान करना है। देखो ध्यान से सुनना, वेदांत पढ़ो और सांप रस्सी नहीं आए तो हो ही नहीं सकता। वेदांत में ब्रह्म न हो तो चलेगा, वेदांत में यदि उपनिषद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन सांप रस्सी का होना जरूरी है, सांप रस्योपनिषद। और उसमें बताते हैं कि हम सांप को देखने नहीं निकलते,
हम निकलते हैं सांप को देखने निकलते हैं, लेकिन देखते हैं रस्सी को। तो निकल पड़े, वहां सांप था बड़ा जहरीला, काट लिया। तो क्या करोगे जाके? देखते हो जिंदा है कि मर गया है, क्योंकि मुझे काटा है। तो वहां गए हम टॉर्च लेकर के, टॉर्च माने योग्य प्रमाण। पहले प्रमाण ठीक नहीं था, अंधकार सा था, और फिर हमने पैर से देखा था तो प्रमाण गलत था, प्रकाश कम था, प्रमाण गलत था। तो हम टॉर्च लेके गए, योग्य प्रमाण, योग्य परिस्थिति, और देखा और देखना चाहा सांप को, लेकिन देखी रस्सी। इसी प्रकार से मैं बड़ा दुखी हूं, तो इस दुखी मैं को ढूंढने के लिए निकले, देखो। और इसीलिए हमारे जीवन में मोह के प्रसंग आते हैं। जिसके जीवन में मोह का प्रसंग नहीं आएगा वो बहिर्मुखी होगा। तो जहां आदमी को झटका लगा, चोट लगी, खटकी हुई, तब आदमी विचार करने लग जाता है, कौन दुखी है, मैं इतना क्यों अनफॉर्चुनेट हूं, सबकी बीबियां कितनी अच्छी होती, मेरी ही ऐसी क्यों है। ऐसे हर एक पति को लगता है, घर की बीबी दाल बराबर, मुर्गी भी नहीं। तो मनुष्य जब मोह में फंस जाता है तब वो चिंतन करने में लग जाता है। तो इसने इस प्रकार से बाहर से मन को हटा लिया, आत्मचिंतन में लग गए, तब पता चलेगा एतद अमृतम अभयम एतद परायणम एतस्मान न पुनरावर्तते। तो जब हम इस मय का अनुसंधान करेंगे तो पहले मैं पति हूं, दुखी हूं, लेकिन पति कौन है? पति यह मनुष्य या पुरुष स्त्री के माध्यम से प्रकट होने वाले अभावात्मक व्यक्तित्व को पति कहते हैं। पति नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो संतो, पति ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, देखो। लेकिन हमने इस कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना दिया। हर एक आदमी जब शादी करता है उसको पति ही कहते हैं, तो पति इज ए कॉमन नाउन। देखो जैसे गुजरात में शाह इज ए कॉमन नाउन, तो वो प्रॉपर नाउन थोड़ी है। कई शाह पड़े, बादशाह एक भी नहीं। इसी प्रकार से पति यह कॉमन नाउन है, लेकिन हमने उस कॉमन नाउन को हटा करके एक प्रॉपर नाउन बना दिया कि मैं पति हूं। जहां आपने प्रॉपर नाउन से हट करके कॉमन नाउन में चले गए तो क्या होगा यार? हर एक पति दुखी होता है, फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं। देखो यदि मैं अकेला दुखी हूं तो परेशानी है। देखो तो इस मैं का अनुसंधान करते करते पता चलेगा इस पति में पत्नी, पति और पुरुष, इन तीनों में सत्य क्या है। तो पता चलेगा पत्नी नहीं है तो पुरुष नहीं है, ऐसा होता है? नहीं, पत्नी नहीं है तो पति नहीं है, ऐसा होता है। चाहे पत्नी रहे ना रहे, पुरुष ज्यों का त्यों रहता है। जिस दिन ये आदमी को बात समझ में आती है कि असल में मैं आदमी हूं, पति बना हूं, इसीलिए बनावटी हूं, तो जो बनावटी होता है वो टिकेगा थोड़ी। देखो एक हमारे मित्र थे चाइना में, और उन्होंने एक चाइनीज लड़की से शादी की। बड़ी प्यारी थी लड़की, वो कोई 7-8 साल हो गए, एक छोटा सा बच्चा भी हो गया पैदा। हम जब उनके यहां गए तो पता चला कि उसके पत्नी का देहांत हो गया। ये बहुत दुखी था, कोई 6-7 महीने हो चुके थे। जब मैं गया तो उसको और जोर आया, खूब गले लगा, कस के रोने लग गया। हाँ जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? आप तो जानते हैं वो कितनी अच्छी थी, कितनी समझदार थी, ऐसी तो इंडियन भी लड़की नहीं मिलती, भगवान की दया ऐसी मिल गई थी, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, बताइए मुझे, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे आपसे सांत्वना नहीं चाहिए। हमने कहा मैं दूंगा, हिम्मत है सुनने के लिए, लेकिन डिस्कस मत करना। बोले ठीक है, चाइनीज माल टिकता नहीं।
देखो महाराज, ज्यादा चक्कर भी मत पड़ो। तो जब ये पत्नी मर गई तो पति का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पति नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। देखो, तो जो दुखी हो रहा था वो कौन था? जो नहीं है वो दुखी हो रहा था। यही तत्व का चिंतन है, बाकी कुछ नहीं है। तो फिर अपने स्वरूप को पहचान लिया तो न पुनरावर्तन्ते, फिर आदमी को फिर से दुखी होने का चांस ही नहीं। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणं अथे मे अन्यौ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुर अर्पिति। अब जो काल की गणना करने वाले हैं वो आदित्य को बता दे, पांच पैर वाला है, सबका पिता है, द्वादशाकृति 12 आकृतियों वाला है, पुरुषि माने पानी को ऊपर पहुंचा करके बरसाने वाला है और आकाश में रहने वाला है, और उसको 7 चक्र है और 6 अरे वाले इस सूर्य के मंडल चक्र में फंसे हुए हैं। माने ये सब काल की गणना है। 7 दिन हो गए, 12 मास हो गए, तो ये सूर्य के कारण ही काल की गणना होती है। तो माने इस काल का पिता कौन हो गया? सूर्य। सूर्य के अगल बगल में पृथ्वी एक चक्कर काटती है तो 365 दिन 12 महीने बन गए। और फिर यह पृथ्वी उत्तरायण दक्षिणायण में होती है तो 1 साल को 6-6 महीने में बांटा, और फिर उसी के 6 ऋतु होते हैं। इस प्रकार से काल की गणना इस सूर्य के ही कारण होती है, और इसीलिए यह संवत्सर, यह साल, यह काल, यही प्रजापति है, और इसमें जगत चंद्रमा के अनुसार निर्माण हो जाता है। अब साल हो गया प्रजापति, अब महीना प्रजापति बताएंगे। मासो वही प्रजापति ही तस्य कृष्ण पक्ष एव रही शुक्ल प्राण तस्मादेत ऋषयः शुक्ल पृष्ठम कुर्वन्ति इतरे इतरस्मिन्। तो सूर्य को बना दिया प्राण प्रजापति, फिर संवत्सर को बना दिया साल को, अब महीने को बताते मासो वही प्रजापति। महीना जो है वो प्रजाति है, और उसमें 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में जो उपासना करते हैं प्राण की माने पुरुष की वो भिन्न है, और कृष्ण पक्ष में माने प्रकृति की जो उपासना करते हैं वो भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। माने कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति के है, कोई भौतिक प्रवृत्ति के है। अच्छा, उसके पश्चात फिर और आगे चलते हैं। अहो रात्रो वही प्रजापति ही तस्या अहरेव प्राणः रात्रिरेव रही प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद् रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। अब दिन रात जो है ये प्रजापति है, इसमें जो दिन है वह प्राण है, और रही रात्रि है वो प्रकृति है, और जो इस प्रकार से दिन के समय भोग करते हैं उनका सत्यानाश हो जाता है, और जो रात के समय भोग करके प्रजा का उत्पादन करते हैं वही इस जगत में रह करके इस सापेक्षता के जगत में बने रहते हैं। अब और आगे चलते हैं। दिन रात क्या करते हैं लोग? खाते हैं, और क्या है? तो अन्नम वही प्रजापति ही ततो हवी तद रेत तस्माद इमा प्रजा प्रजायन्त इति। तो फिर अन्न हो गया प्रजापति, और इस अन्न से ही रेतस बन जाता है, पुरुष और स्त्री के जो बीज है वो अन्न के ही सूक्ष्म अंग से बन जाते हैं, और उसी से यह प्रजा निर्माण होती है। इसलिए यह पृष्ठम कृतो कुतो हवई प्रजा प्रजायन्ते इति तदेव चंद्रादित्य मिथुनादि क्रमेण अहोरात्रांतेन अग्रे तमो द्वारेण प्रजा प्रजायन्ते इति निर्णितम। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये प्रजा कहाँ से निर्माण होती है, तो शुरू कर दिया सूर्य से, सूर्य चंद्रमा, फिर रात, फिर साल, फिर महीने, फिर दिन रात, और इस प्रकार से अन्न, और अन्न खाने से फिर जो बीज बने उससे प्रजा निर्माण होती है।
यहां तक प्रजा कैसे निर्माण होती ये बताया। अब ध्यान से सुनना, तद ये हवे तत् प्रजा प्रतिवतम चरंती ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषामेव एष ब्रह्मलोको येषाम तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। जिन्होंने इस प्रजापति व्रत का जीवन में आचरण किया है वे मिथुनम उत्पादयन्ते, वो दो बच्चे निर्माण करते हैं कम से कम, एक लड़का और एक लड़की। देखो ये हम दो, हमारा एक ये बकवास है, हर एक ने कम से कम एक एक दर्जन बच्चे पैदा करने चाहिए। एक बात बताऊं आपको, आप लोगों को समझ में नहीं आता, समझदार हो लेकिन समझ में नहीं आता। एक उदाहरण दूं आपको, एक आईएएस लड़की थी और उसका हस्बैंड भी आईएएस। आईएएस का मतलब मालूम है ना आपको, आई एम सॉरी। दोनों ने शादियां करके एक बच्चा पैदा किया और फिर वो लड़की हमको मिलने आई। अरे स्वामी जी हम सोच रहे हैं कि एक बच्चा गोद में ले ले। मैंने कहा क्योंकि तुम बच्चे नहीं कहते, बोले हमको एक बच्चा है, दूसरा बच्चा होने की संभावना नहीं, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्यों गोद में लेती हो? नहीं हम किसी की सेवा करना चाहते ना, ऐसी सेवा नहीं होगी, आगे जाकर के दोनों में झगड़े होंगे, ये मेरा ये बाहर का, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। फिर हमने कहा आधा दर्जन बच्चे पैदा करो। बोले क्यों आप हमको कह रहे हैं बताओ, फिर हम करेंगे। हमने कहा मुझे बताओ, तुम दोनों आईएएस हो तो दोनों की बुद्धि अच्छी है, तो तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल सुपीरियर क्वालिटी के हैं। यदि एक ही बच्चा पैदा करोगे तो ये जेनेटिक मटेरियल वेस्ट हो रहा है और यूजलेस लोग दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं, तो जो अनावश्यक जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोपोगेट हो रहा है। तो आप भगवान के नियम में गलत बात कर रहे हो। देखो इंटेलिजेंट लोग 12 to a dozen नहीं मिलते, लेकिन इंटेलिजेंट लोग बेवकूफ होते हैं। देखो आप चले जाओ पाश्चात्य देशों में, अब बच्चे पैदा करना ही बंद कर दिया है, क्या जरूरत है बच्चे पैदा करने की, पशु तुल्य जीवन जिए और जीवन परिपूर्ण हो गया। देखो संतो ये बात समझ लो ठीक से, अभी भी कुछ लेट नहीं। तद ये वही तद प्रजापति उत्तम चरण थी ते मिथुन उत्पादयन्ते, वो मिथुन उत्पादयन्ते बच्चों को पैदा करते हैं, तेषां व एष ब्रह्मलोकः, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक मिलता है। किनको? येषां तपो ब्रह्मचर्य सत्यम, जिन्होंने अपने जीवन को तपस्यामय जिया है और इस दृष्टि से जिन्होंने प्रजोत्पादन किया है उन्हीं को ब्रह्मलोक मिलता है। और इस ब्रह्मलोक में जाकर के आदमी वहां ब्रह्मा जी के साथ सत्संग करके क्रम मुक्ति से मुक्त हो जाता है। अच्छा लेकिन फिर भी इनके मन में इच्छा थी प्रजोत्पादन की ये, लेकिन दूसरे कौन से है? तेषाम असौ विरजो ब्रह्म लोकः न येषु जिम्म अनृतम च माया च इति। लेकिन जो अब सब कुछ त्याग करके केवल शुद्ध पवित्र जीवन को लेकर के तत्व को जानने के लिए कुटिलता का और कपट का त्याग करके जब यह साधना करते हैं तब उनको ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है। विशुद्ध ब्रह्मलोक विरजा ब्रह्मलोकम, विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा कैसा, ये दुनिया कहां से आई, उत्तर क्या मिला, तुमको कहां पहुंचना है, तुम्हारे जीवन का तात्पर्य क्या है, ये इस प्रश्न का मूल उत्तर था। दुनिया कहां से आई ये इसका तात्पर्य नहीं। देखो एक उदाहरण दूं आपको मैं, एक बेंगलोर की बात है, मारवाड़ी है, एक हमको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आए। स्वामी जी मैं आपको ले जाऊंगा अपने साथ। हमने कहा देखो ऐसे जबरदस्ती से नहीं होता, हमने जो बताया किसको उनके साथ जाएंगे, बोले नहीं नहीं मैंने उनको समझ लिया, सर्च कर लिया। मैंने बोला कि ज़्यादा मत बोलो, इतनी बड़ी माला लेके आए, इतने सारे फूल और फल एयरपोर्ट पर। उसके पश्चात बोले मुझे आपसे 3 दिन चाहिए, मुझे विस्तार से डिस्कस करना है आपको, आई वॉन्ट टू मार्केट यू एट इंटरनेशनल लेवल। मैं उनको सुन रहा था, घर पहुंचते पहुंचते उन्होंने मेरा सर खा लिया। अरे शुरू रखो मैं सुन रहा हूं,
टाइम वेस्ट मत करो, तीन दिन में एक अभी तो शुरू हो गया ना, शुरू करो। मैं सुन रहा था, फिर मैंने कहा कि बाबू जी मैं एक बोलू क्या बात बीच में, बोलो आपके बच्चे आपके पोते नाते कैसे हैं? जैसे मैंने पूछा गंगा यमुना सरस्वती खर 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 रोना धोना सब। स्वामी जी आपने क्यों पूछा? हमने कहा क्योंकि जिस प्रकार से आप बोल रहे हो उससे स्पष्ट होता है कि आप अपने घर से आपके बच्चों के द्वारा धक्का मार के निकाले हुए हो। मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं। फिर वो शुरू हो गए, स्वामी जी हमने ऐसा क्यों कहा? देखो तुम्हारा ये जो व्यवहार है ना, ये साधक का नहीं है, ये जेंटलमैन का व्यवहार नहीं है। You are trying to run away from yourself. देखो अपने आप में शांत रहो, तब जाकर के यह तत्व ज्ञान होता है। आदमी अपने आप से बहुत भागता है और उस भागने के लिए एक मार्ग है समाज सेवा में लग जाना। 99% ये सोशल वर्कर जो होते हैं ना अपने घरों में फ्रस्ट्रेट होते हैं, इनको घर से निकाल दिया जाता है तो घर को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है, लेकिन उनकी कैपेसिटी अभी खत्म नहीं हुई और उनका उत्साह अभी समाप्त नहीं हुआ, तो फिर जाकर के वो समाज में लग जाते हैं और समाज का भला करेंगे। और क्या समाज का भला करेंगे? अपने विचारों को अन्य पर लादना, यही उनकी समाज की भलाई है। देखो और उसके लिए पैसा तो नहीं है, तो इसकी टोपी उसके सर पर रख दी और बड़े समाज सेवक बन गए। देखो महाराज इसीलिए ये दुनिया कहां से आई, इसका तात्पर्य है तुमसे आई। देखो बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। देखो दुनिया बुरी नहीं है, सब कुछ अंदर में है, उसको हम कभी देखते नहीं, इसीलिए दुनिया के बारे में प्रश्न आते हैं। तो जिसके मन में दुनिया के बारे में प्रश्न आते हैं उसको धक्का मार करके अंदर करने के लिए ये पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न प्रारंभ होता है, अथ हैनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ भगवन कत्तेव देवा प्रजा विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कब पुनरेशा वरिष्ठ इति। अब भार्गवी जो भार्गव जो था विदर्भ देश का रहने वाला, उसने पूछा कि हे भगवान ये प्रजा को कौन धारण करता है, माने इस देह को जो प्रजा देह उत्पन्न हो गए, इतने पुरुष स्त्री उत्पन्न हो गए, इनको कौन कितने देवता धारण करते हैं और उनमें कौन अपने आप को ज्यादा समझता है कि मेरे ही कारण हो रहा है और इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है ये मुझे बताइए। अब ध्यान से सुनना, एक सूक्ष्म बात है, हर एक चीजों में तीन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे दृष्टि पकड़ लो, दृष्टि में एक हमारी जो आंखें आपको दिख रही है वो है आधी भौतिक आंखें, जिससे हम देख रहे हैं वो दृष्टि, वो है आधी दैविक आंखें, और जो देख रहा है वो है आध्यात्मिक आंख। तीन बातें हो गई। अब हम कहां फंसे हैं? हम फंसे होते हैं अपने इस आधी भौतिक आंखों में, नहीं नहीं बाबा यहां नहीं, हम तो दुनिया के रूप रंग में फंसे हैं। तो ये जब तक के दुनिया के रूप रंग में फंसे रहेंगे आधी भौतिक जगत में नष्ट हो जाएंगे। फिर इस आधी भौतिक जगत का जो अनुभव आता है अच्छा बुरा, ये जो अनुभव है ये है आधी दैविक। तो आधी भौतिक जगत, आधी दैविक अनुभव और अनुभव करता आध्यात्मिक, तीन तीन बातें हो गई। एक इंद्रियों को लेकर के आधी भौतिक आधी दैविक आध्यात्मिक, अपने जीवन की अनुभूतियों को लेकर के जगत जो है आधी भौतिक, जगत के अच्छे बुरे अनुभव आधी दैविक, और जिसको अनुभव हो रहे हैं वो आध्यात्मिक, तीन बातें हो गई।
अब इसको लेकर के प्रश्न है कि यह जो प्राण इस देह में रहता है तो यह प्राण किसके द्वारा धारण किया जाता है। जैसे देखने वाला और ये आदि भौतिक आंख दोनों हो लेकिन बीच में आदि दैविक शक्ति ना हो तो कोई दर्शन होगा ही नहीं। तो इन तीनों में माने आदि भौतिक और आध्यात्मिक इनमें जोड़ करने वाला कौन है? आदि दैविक। ये आदि दैविक को ही देव कहते हैं। द्योतना देवहा जो प्रकाशित करता है उसको देव कहते हैं। तो यहां प्रश्न ये है कि इस देह को धारण करने वाले जो अनेक देवता है, देखो जैसे हमारी आंखों में सूर्य देवता है, कानों में दिग देवता है, हमारे नाक में अश्विनव देवता है, उसके बाद हमारे पैरों में विष्णु देवता है, हमारे हाथ में इंद्र देवता है, इस प्रकार से हमारे एक एक अंग में एक एक देवता की प्रतिष्ठा होती है। ये बात उस विद्यार्थी को भार्गवी को वैदर्भी को मालूम था, भार्गव वैदर्भी को मालूम था, इसलिए उसने पूछा कि कौन से देवता ज्यादा महत्व के है और सबसे श्रेष्ठ कौन है ये हमको बताइए। अब ये देवता बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें होती है। तस्मै स होवाच आकाशो हवा एष देवो वायु अग्निरापः पृथ्वी वाङ्मनः चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम् एतद् बाणं ममष्टभ्य विधारयामः। अब ये देवता दो प्रकार के हो गए। पहले है यह आदि भौतिक जगत में पंच महाभूत, तो कहते हैं आकाश पृथ्वी वायु अग्नि आपः, तो ये जो पंच महाभूत है ये देवता है और इन पंच महाभूतों के कारण यह स्थूल देह बन जाता है। तो पहले देवता ये पंच महाभूत, दूसरे देवता है ये पंच महाभूत जो है ये बाहर के देवता है जो इस बाह्य शरीर का आधार है। फिर जो अंदर के देवता है जो अंदर को मेंटेन करते हैं वो कौन है? वांग मन चक्षु श्रोत्रम च, सभी के सभी ज्ञानेंद्रिय, सभी के सभी कर्मेंद्रिय और पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों को धारण करने वाले ये देवता है। देखो कितना सूक्ष्म विचार है। बाहर के पंच महाभूतों को धारण करने वाले देवता ये बाह्य शरीर का आधार है और अंदर के शरीर को लिंग देह को धारण करने वाले ये 19 तत्व जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार 19 ये इनको धारण करते हैं। ते प्रकाश अभिवदंती, अब कहानी शुरू होती है। फिर कहते हैं फिर उन्होंने अपना अपना शुरू कर दिया। ते अभिवदंती क्या कहना? वयम एतर बाणम अवष्टभ्य विधारयामः। अरे कहता मेरे ही कारण ये देह देह है, मैं नहीं तो देह नहीं है। देखो इसी प्रकार की कहानी केनोपनिषद में आती है। केनोपनिषद में अग्नि को लगता है कि मेरे ही कारण यह विजय हो गई, वायु को लगता है मेरे ही कारण ये विजय हो गई, फिर मन इंद्र को लगता है मेरे ही कारण विजय हो गई, लेकिन वहां जब वो श्रुति माता का आधार लेते हैं तब उनको पता चलता है ब्रह्मणो वा एतद् विजये मही यद्वम, यह तो परमात्मा के कारण ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब हमको नहीं लगता वैसा ही, हमको लगता मेरे ही कारण सब कुछ चल रहा है। देखो यदि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? लोग सेलिब्रेट करेंगे, मर के देखो देखो ये हमको लगता है मेरे सिवा ये जगत चल नहीं सकता,
तो ये जो हमारी बातें हैं ना, वो यहाँ कहानी के द्वारा बता रहे। तो सभी के सभी ये पंच महाभूत, उसके बाद ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि प्राण, सब के सब कहने लग गए कि मेरे ही कारण ये सब चल रहा है। अपनी अपनी डींग हाँकने लग गए। सो वयम एतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयामः, हम ही इस देह को धारण करके रखते हैं। फिर क्या हो गया, कहानी चालू है। तान वरिष्ठ प्राणः उवाच मा मोहम आपद्यत अथ अहमेव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि इति ते अश्रद्धधाना बभूवुः। तान वरिष्ठ प्राण उवाच, जो वरिष्ठ प्राण था उसने कहा, वरिष्ठ प्राण माने मैं, जिसका ये देह में आत्मभाव है वह, उस वरिष्ठ प्राण ने कहा मा मोहम आपद्यत, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारे कारण कुछ नहीं होता। क्यों? कि अहम एव एतत्, मैं ही इस देह को धारण करता हूं और मैं ही पंचधा आत्मानं विभाज्य परिविभाज्य, मैं ही अपने आप को पांच प्रकार से विभाजित करता हूं। देखो, मन पांच ज्ञानेंद्रियों से बाहर आकर के पांच ज्ञानेंद्रिय के शक्तियां बन जाती है, वही मन पांच कर्मेंद्रियों से बाहर आकर के पांच कर्मेंद्रिय बन जाता है, वही मन पांच प्रकार के फिजियोलॉजिकल फंक्शन लेकर के पंच प्राण बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अहम एव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य, मैं ही अपने आप को पांच प्रकार से विभाग कर एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि, मैं ही इस बाण को माने मैं ही इस देह को विधारया करता हूं, मैं इसको धारण करता हूं। ऐसा जब कहा तो सभी के सभी ते अश्रद्धदाना बभूवुः, उन्होंने कहा है पता नहीं कौन है, तो दिखता तो नहीं कहीं, और तुम कह रहे हो मैं सबका धारण करता हूं। तो जब उन्होंने श्रद्धा नहीं दिखाई, हम वी डोंट केयर फॉर यू, तो उसने कहा अच्छा, सह अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रामते इव तस्मिन् उत्क्रामते अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानां उत्क्रामन्तं प्रातिष्ठन्तं एवं वांग मनश्चक्षु श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। प्राण का मतलब है जीवन, लाइफ। तो जब ऐसा सभी जितनी फैकल्टीज थी उन्होंने कहा कि हम ही करते हैं, हम तुम पर विश्वास नहीं रखते, तो उत्क्रामंत इव मानो वो प्राण देह को छोड़ के जाने के लिए निकला ही था, तो सभी के सभी जितने इंद्रिय जितने फंक्शंस थे वो मरने लग गए। तो तस्मिन उत्क्रामंत अथ इतरे एव उत्क्रामंते, बाकी के भी अब वहां नहीं रह सकते, जैसे प्राण निकल गया दृष्टि खत्म हो गई, प्राण निकल गया श्रवण शक्ति खत्म हो गई, तो सब का सब खत्म होने लग गया। तो और जब फिर वो प्राण प्रतिष्ठित हो गया शरीर में, तो सब के सब फंक्शन ज्यों के त्यों होने लग गए। यथा उदाहरण देते हैं, मधुकर राजा नाम उत्क्रामंतम एव उत्क्रामंते तत्स्मिच प्रतिष्ठमाने, जैसे ये जो छाता होता है ना मधुमक्खियों का, उसमें एक मक्खी जो होती है क्वीन, वो जब उड़ जाती है तो सब उड़ जाती है, वो जब बैठती है तो सब बैठते हैं। इसी प्रकार से जो एक मुख्य प्राण, इसके रहने से ही देह में जीवन रहता है, ये निकल गया तो इसमें जीवन नहीं रहता। तो ये ऐसा होने के कारण वांग मन चक्षु श्रोत्रम च ते प्रीताहा, तब उन्होंने बाकी सभी प्राणों ने इंद्रिय मन बुद्धि ने कहा नहीं 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 बाबा, आप ही श्रेष्ठ हो, हमको छोड़ के मत जाना। फिर क्या करना है, फिर उनकी स्तुति आराधना करने लग गए। तेज प्रीता प्राणम स्तुन्वंती, अब उन्होंने मुख्य प्राण का स्तुति से कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। हम लोग नहीं करते, तेरा तुझको अर्पण कहते तो है तेरा,
जिन सब लागे मेरा, इसीलिए सभी भगवान हंसते, अपने कोई भगवान रोता नहीं। तो आप किस प्रकार से स्तुति करते हैं, कथम एष अग्निस्तपति सूर्य एष पर्जन्यो भगवान एष वायु एष पृथ्वी रईर देव सरसा च अमृतम च यत। अब यही जो मुख्य प्राण है, ध्यान से सुनना, यही अग्नि है, यही तपता है सूर्य के रूप में, और यही सब बादलों में पानी यहाँ से उठा के ले जाता है, यही भगवान है, यही वायु है, यही पृथ्वी है, यही चंद्रमा है, यही दुनिया में जितना भी नाम रूपात्मक यह स्थूल सूक्ष्म विश्व है, ये सभी का सभी यही एक मुख्य प्राण है। ध्यान से सुनना, जैसे अपने देह से मुख्य प्राण निकलने से इसको शव कहते हैं, इसी प्रकार से समष्टि में, समष्टि को जो इकट्ठा करके रखने वाला है वो मुख्य प्राण है। तो दो प्रकार से यहां बताएंगे, जो प्राण व्यष्टि में है वही समष्टि में है, ये मूल तात्पर्य है। तो इस संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला सूर्य है, और सूर्य के कारण ही पानी से भाप बन के ऊपर जाती है और बारिश होती है इत्यादि। इसी प्रकार से इस देह को धारण करने वाला यह जो जिसको जीव कहते हैं मुख्य प्राण है, यही सब कुछ है, और इसी के कारण यह संपूर्ण विश्व टिका हुआ है। कैसे, अरा इव रतना बहु प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम रुचो यजुंसि सामानि यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म च। और इसी में, इसी संपूर्ण विश्व इसी में टिका हुआ है। अब देखो क्या क्या टिका हुआ है, चारों वेद, ऋग यजु साम यज्ञ क्षत्रिय और ब्रह्म, अनेक प्रकार के कर्म, क्षत्रिय ब्राह्मण, सभी के सभी इसी प्राण में स्थित है। जब तक के देह में प्राण है तभी तक आप उससे पुरुष सूक्त कहलवा लो, और देह से देह से प्राण निकल गए तो सब बोलती बंद हो गई। जैसे देह से प्राण निकल गए तो ना कोई यज्ञ कर सकता है, सब क्रिया बंद हो गई, ना कोई ब्राह्मण है ना कोई क्षत्रिय है। इस प्रकार से ये संपूर्ण देह और उसमें होने वाले जितने भी व्यापार है वो इसी एक मुख्य प्राण जिसको जीव कहेंगे, जीव के कारण है। प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजापति इमा बलिम हरन्ति यः प्राणे प्रतिष्ठसि। और प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वम एव, और हे प्राण तुम ही गर्भ में, माँ के गर्भ में प्रजापति के रूप में रह करके इस गर्भ को पालन पोषण करते हो। तुभ्यं प्राण प्रजा इमा बलिम हरन्ति, और जितने भी फंक्शन चल रहे हैं बॉडी के वो उसी जीव के लिए है। देखो जैसे चश्मा नहीं देख रहा है, चश्मे के पीछे आंखें, उनको देखना है, आंखें नहीं देख रही है, आंखों के पीछे जो देखने वाला है उसको देखना है। इसी प्रकार से जितना भी शरीर में कार्य चल रहा है वो इस जीव के लिए कर रहे हैं, इसीलिए सभी के सभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो भी कार्य कर रहे हैं वो केवल उस जीव के लिए ही कर रहे हैं। और यहाँ प्राण ही प्रतिष्ठसी, क्योंकि हे भगवान तुम ही इस देह में जीव के रूप में प्रतिष्ठित होकर के रह रहे हो। देवानामसि वन्यतमः पितृणां प्रथमास्वदा ऋषीणां चरितं सत्यं अथर्वांगिरसामसि। अब ये भिन्न प्रकार के जो कर्म होते हैं ये हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग ये करते नहीं, पहले जमाने में होता था, आजकल कुछ नहीं होता है ना, इसलिए हमको भी पता नहीं। तो जो भिन्न भिन्न देवता है उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हो, पितरों के लिए स्वधा अर्पण करी जाती है, और ऋषियों के लिए आँखों से इत्यादि से भिन्न भिन्न प्रकार के सत्य का आचरण करके जीवन में उतारते हैं। ये सब का सब केवल आपके ही द्वारा संभव है, जब तक देह में प्राण है तभी तक ये संभव है। इंद्रस्त्वं प्राणः तेजसा रुद्रोसि परिरक्षिता त्वं अंतरिक्षे चरति सूर्यस्त्वं ज्योतिषां ज्योति। हे प्राण तुम ही अब इंद्र हो, इंद्र माने सबके राजा, सबको अपने कंट्रोल में रखने वाले, और तुम ही अपने तेज से सबका नाश करते हो, और तुम ही सबका परिरक्षिता पालन पोषण करने वाले हो। माने देह का निर्माण, देह को रखना, देह का नाश करना, हे प्राण तुम्हारे ही कारण है। और ऐसा नहीं कि तुम केवल देह में हो, तुम अंतरिक्ष चरसी सूर्य,
और इस संपूर्ण समष्टि को धारण करने वाला जो प्राण है वह सूर्य है। तो आकाश का जो सूर्य है वह समष्टि का प्राण है और हम जो है जीव भाव से यह व्यष्टि का प्राण है, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं। तो सूर्यस्तम ज्योतिषाम पति ही, सभी प्रकाशकों का जो मूल है वह आप हो। यदा त्वम अभिवर्षसि अथ इमा प्रजा प्राणते प्रजा आनंद रूपम अति आनंद रूपा प्रतिष्ठन्ति कामायन्नम भविष्यति इति। हे प्राण माने यहाँ हे सूर्य, जब आप मेघ रूप होकर के आकाश में चले जाते हो और वहां से वर्षा के रूप में बरसते हो तो सभी की सभी प्रजा माने जितने भी जीव है वो सभी के खुश हो जाते हैं कि अब अच्छी वर्षा हुई, अच्छा अन्न होगा और इसीलिए भविष्य ठीक होगा। इस प्रकार से समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण इन दोनों का संबंध है। व्यष्टि की सत्ता समष्टि के कारण होती है। ध्यान से सुनना, एक जगह में एक बड़ी मशीन थी और काम हो रहा था, उसमें से एक छोटा सा स्क्रू नीचे गिर गया। फिर साफ सफाई करने वाले आए, सबको झाड़ू लगा करके निकाल दिया। दूसरे दिन देख रहे मशीन शुरू नहीं हो रही, फिर एक्सपर्ट को बुलाया। बुलाने के पश्चात फिर खूब छानबीन की क्यों नहीं हो रही, तो वहां आया ये स्क्रू गिर गया है। अब ये स्क्रू का नंबर क्या है और कहाँ मिलेगा, तो मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट किया। हाँ जी है, अब उस स्क्रू को वहां से यहाँ भेजना है कुरियर से, स्क्रू की कीमत इतनी $1,000। आकर के स्क्रू लगा दिया मशीन शुरू। वो स्क्रू जब मशीन के साथ है तो कीमत $1,000 है, जमीन पे गिर गया तो कचरा है। इसी प्रकार से हम प्रभु के साथ है तो $1,000, जमीन गिरे कचरा है। देखो ये कभी नहीं भूलना है, हमारी सत्ता इंडिपेंडेंट नहीं है, समष्टि के साथ है। जैसे अंदर की हवा और बाहर की हवा, इन दोनों का संबंध तोड़ दो, जीवन संभव नहीं है। अंदर की अग्नि बाहर की अग्नि, इसका संबंध तोड़ दो, जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार से वैयक्तिक जीव और ईश्वर, इन दोनों का संबंध आवश्यक है, क्योंकि एक ही परमात्मा समष्टि की उपाधि लेकर के ईश्वर कहा जाता है और वही परमात्मा व्यष्टि की उपाधि लेकर के जीव कहा जाता है। तो व्यष्टि के लिए जीव का महत्व, समष्टि के लिए ईश्वर का महत्व। और जब यह जीव अपने आप को पहचानता है तो ये जीव कभी ईश्वर नहीं बनता। समुद्र कभी भी लहर बन सकता है लेकिन लहर कभी समुद्र नहीं बन सकती। परमात्मा ईश्वर जीव के रूप में प्रकट हो सकता है लेकिन यह जो जीव है ये परमात्मा नहीं बन सकता, ये अपने आप को खो देता है। इसीलिए भगवान को खोजो मत, भगवान में खो जाओ। देखो यह महत्व की बात है। इसीलिए इंदस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता त्वमंत्रिक्षे चरसी सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिहि। यदा त्वम अभिवर्षसि अथ इमा प्रजा प्राणते प्रजाः आनंद रूपा तिष्ठन्ति कामाय अन्नं भविष्यति इति। अब बढ़िया अन्न होने वाला है, बड़े खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त है, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ लिया है, वो कभी दुखी नहीं होते। उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु का अनुग्रह है, वही उनकी लीला चल रही है। इस प्रकार से जैसे जैसे सूक्ष्मता आपकी बढ़ेगी ना समझने की, वैसे पता चलेगा। वेदांत कहो या भक्ति कहो, बात एक ही है, शब्दों का भेद है, तत्व एक ही है। लेकिन दोनों जब दुराग्रही हो जाते हैं,
वेदांती जब भक्ति की मजाक उड़ाते हैं और भगत जब वेदांत की मजाक उड़ाते हैं, उभौ तो न विजानी तहा, दोनों बेवकूफ है। और बेवकूफ हमेशा एक दूसरे की मजाक उड़ाएंगे। व्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः। व्रात्यस्त्वं गणेश जी का एक नाम है ये। व्रातपतये नमः, व्रातपति माने संस्कारहीन। बम्बई के लोग कहते, पूना के लोग कहते हैं, कोई आदमी कैरेक्टर हो ना, उसको कहते हैं वात्रट। वात्रट माने जिसको कोई कंट्रोल नहीं अपने पर, बेवकूफ है, जिसमें कोई संस्कार नहीं है, कहाँ कैसे बैठना, कैसे बोलना, किस प्रकार से वार्तालाप करना, कहाँ नहीं बोलना, ये जिसको मानो उसको कहते हैं व्रात। तो यहाँ भी कहते हैं, हे भगवान तुम व्रात हो, भगवान पर कोई संस्कार ही नहीं है। जहां प्रकृति होगी वहां विकृति होगी, जहां विकृति होगी वहां संस्कृति की आवश्यकता होगी, जहां विकृति होती ही नहीं वहां संस्कृति की क्या आवश्यकता है। देखो आप आकाश को कैसे साफ करोगे, कमरे को साफ करो, आकाश को कैसे साफ करोगे? आकाश को साफ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कभी गंदा होता ही नहीं। देखो इसीलिए सभी ध्यान से सुनना, वेदांत गलत संस्कारों को मिटा करके नए संस्कार निर्माण नहीं करता, ये मूल भेद है। योग में चले जाओ, पहले मैं भोगी था अब मैं योगी हूं, मैं बना है। देखो कर्म में चले जाओ, पहले मैं चोरी करता था अब मैं डकैती करता हूं, मैं बना हुआ है। देखो भक्ति में चले जाओ तो वहां भी कहेंगे, पहले मेरा भगवान पर विश्वास नहीं था, आजकल हो गया थोड़ा बहुत। पहले हम लोग थे अयोध्या में तो जय श्री राम चलता था, लेकिन फिर वहां से हमारे ट्रांसफर हो गई वाराणसी में, तो फिर जय विश्वनाथ बाबा, फिर वहां से ट्रांसफर हो गई वृंदावन में, राधे राधे, अब क्या है, अब कंफ्यूज है। तो हम केवल संस्कारों को बदलते हैं। वेदांत स्पष्ट कहता है व्रातस्त्वम, सभी संस्कारों को मिटा करके नए संस्कार निर्माण नहीं करना। सुबह उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छे संस्कार होते हैं। हम तो बाबा 10 बजे तक सोएंगे, आप आध्यात्मिक नहीं हो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन अगेन स्लीप, कहा सत्संग में। देखो महाराज, व्रातस्त्वम प्राणैक एकर्षि अत्ता आप ही संस्कारहीन हो, एकर्षि नाम की अग्नि हो और सबका भोगता हो, आप ही सबका भोग कर रहे हो और इस संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले आप ही हो, और हम आपको केवल चंदा पहुंचाने वाले, भक्ष देने वाले हैं। इसीलिए हे वायु, हे प्राण, तुम ही हमारे पिता हो, हमको छोड़ के मत जाओ। कौन कह रहा है? सभी इंद्रिय जीव को कह रहे हैं, सभी प्राणी सूर्य को कह रहे हैं। देखो इसीलिए सभी संस्कृतियों में सूर्य की उपासना महत्व की मानी है। जैसे जैसे सूर्य की उपासना दृढ़ हो जाती है ना, वैसे वैसे ब्रह्म तेज बढ़ने लग जाता है। लेकिन वो सूर्य की उपासना, एक सज्जन हमको मिले थे, वो सूर्य पर त्राटक करते हैं। वो बोले मैंने सूर्य से ही मैं सब कुछ मिल जाता है, मैं खाना पीना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, कुछ नहीं, मेरी तबीयत देखो कैसी। हमने कहा ठीक नहीं लग रही, नहीं ठीक है, उस चक्कर में मत पड़ना, सूर्य की तरफ घंटों देखते रहना और इसका नॉर्मल रहो और प्रसन्न रहो। अच्छा,
और आगे चलते हैं 12वें मंत्र में। या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसी संतता शिवाताम कुरु मा उत्क्रमी। या ते तनुवाची प्रतिष्ठिता, देखो हे भगवान, अब हमको पता चला आप ही हमारे वाग इंद्रिय से वाणी के रूप में प्रकट हो रहे हो। देखो कई बार होता है ना, एक अम्मा हमारी मर गई, वो जब मर रही थी तो उसके लड़के ने मुझे बाद में फोन किया कि स्वामी जी जब मम्मी मर रही थी तो पिछले 8 दिन और 10 दिन कुछ बोलना चाहती थी, बोल नहीं पाती थी, सिर्फ स्वामी जी इतना ही कहती थी। अब क्या उसको कहना था पता नहीं, नहीं बोल पाते थे। तो परमात्मा जब हमारे वाग इंद्रिय से प्रकट होता है वाणी के रूप में, यदि वो प्रकट होना इनकार कर दे तो वाणी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, यही बात केनोपनिषद में आता है, जो यद वाग अनुबद्धितम ये नवाग अभ्युद्धते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि उपासते। जिसके वाणी जिसके बारे में बोल नहीं सकती लेकिन जो वाणी के रूप में प्रकट होता है वह परमात्मा है। इसीलिए कि हे भगवान आप ही हमारे वाणी में वाणी के रूप में प्रतिष्ठित हो और आप ही हमारे सभी इंद्रियों में व्याप्त हो करके श्रोत्र चक्षुषी आंखें कान इत्यादि सब में आप ही हो, मन में भी केवल आप ही हो और बिना आपके ये सब के सब मृतवत है। इसीलिए मां उत्क्रमी, हमको आप छोड़ के मत जाइए। प्राणस्य वशे इदम सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम माते व पुत्राम रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहिना। ये सब का सब प्राण के ही वश में है, माने यह जो जीव है जो इस प्राण को धारण करके रख, जो जीव है जो इस देह को धारण करके रखता है इसी के वश में ये सब कुछ है। इसीलिए माते व पुत्रान, जैसे माता अपने बच्चों का रक्षण करती है तो उसी प्रकार से हे जीव, आप सभी के सभी इंद्रिय उस जीव की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी रक्षा करो और हमको श्री प्रज्ञा इत्यादि दो, आप हमको बुद्धि दो, आप हमको समझदारी दो, आप हमको ऐश्वर्य दो, लेकिन आप यहाँ से निकल मत जाना, आप बने रहो। इस प्रकार से प्राण क्या है हमको बताया, व्यष्टि में और समष्टि में इसका हमको ज्ञान होना आवश्यक है। समष्टि में जिसको सूर्य कहते हैं व्यष्टि में उसी को जीव कहते हैं। जैसे सूर्य यदि किसी कारण से स्विच ऑफ हो गया तो संपूर्ण सृष्टि खत्म हो जाएगी, इसी प्रकार से यदि इस देह में जीव भाव समाप्त हो गया, ध्यान से सुनना, जैसे संपूर्ण सृष्टि के लिए एक ही सूर्य है इसी प्रकार से सभी प्राणी मात्र के लिए एक ही जीव है, अनेक जीव नहीं है। दूसरी महत्व की बात, जीव यह परमात्मा की पंचकोशों के माध्यम से अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। इट इज नॉट एन इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। जैसे मन की आंखों से दृष्टि के रूप में अभिव्यक्ति है, ये थोड़ी कहा है कि आपके आंखों से, किसकी भी आंखें हो, चाहे आपकी हो चाहे गधे की हो, मन जब आंखों से निकलता है तो दृष्टि कहते हैं। ये दृष्टि व्यक्ति थोड़ी है, ये अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन। इसी प्रकार से परमात्मा जब पंचकोशों से प्रकट होता है तब उसको जीव कहते हैं। लेकिन गलती कहां करते हैं हम लोग, हमने अपने आप को व्यष्टि देह मान लिया है और उसके कारण हमने जीव को भी हर एक देह में एक एक मान लिया है और ये समझने के लिए आसान हो जाता है।
जैसे हर जूते के लिए एक सोल होता है, उसी प्रकार से हर बॉडी के लिए एक एक सबटल बॉडी। गुजरातियों के बीच में मैं हूं, मैं भूला नहीं हूं। देखो तो हर एक देह में एक जीव मान लिया, और वो मान करके उसमें ऐसे फंस गए, पापो हम पाप कर्मा हम। देखो संतो, दो स्थितियों से पार करने से आध्यात्मिक साधना पूरी होती है। पहली स्थिति देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी स्थिति जीवात्म भाव का अंतिम श्राद्ध। देखो जीव नाम की कोई वस्तु हो तब ना, तब तो उसका जन्म मृत्यु की बात करो, और वहां भी बात करो तो भी जन्म मृत्यु संभव नहीं है। पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में इस अम्मा के साथ शादी हो गई, इस जन्म में पाप कर रहे हो तो अगले जन्म में वो छोड़ेगी नहीं, आपको पकड़ के रखेगी। तो तात्पर्य क्या निकला, इस देह के निर्मिति के पहले भी आप थे, अभी भी हो, बाद में भी रहोगे, तो आप मरे कब? देखो वाराणसी में हम थे, दिल्ली में हम थे, बड़ौदा में हम थे, और अभी आनंदमयी मां के आश्रम में हम हैं। हम मरे कहां? हमने केवल स्थान बदले है, कहां मरे? कितनी सिंपल बात है, यदि अपने आप को जीव मानो तो भी मृत्यु नहीं संभव, देह मानो तब भी मृत्यु संभव नहीं। क्योंकि देह क्या है, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, और क्या किया है। ये हमारे बंबई में चौपाटी में सभी ब्रह्मदेव के शिष्य है, वहां वो चौपाटी की भेलपुरी क्या कहते हैं वो बनाते हैं। पहले कागज से एक कोन बनाते हैं फटाफट, पुराना कागज फटाफटा बाथरूम में जा पड़ा हो फटाफट, और उसका कोन बनाते हैं, वो है आकाश तत्व, और फिर उस आकाश में सब चीजें डाल देते हैं, और आखिर में प्राण फूंक देते हैं टॉप करके, और एकदम बढ़िया यहां का जो टेस्ट है और कहीं नहीं आता। देखो महाराज, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने पंच महाभूतों को इकट्ठा किया एक कोने में, कोन में ऊपर से फू कर दिया, और ये जीव पैदा हो गए। देखो महाराज, इस प्रकार से यह जो जीव है यह हर देह में एक नहीं है, इतना भी आप समझ लो। इस प्रश्न से तो आपने बहुत समझ लिया। देखो हर एक व्यक्ति आंखों से ही तो देख रहा है ना, नहीं 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 हम तो गुजराती, हम कानों से देखते हैं। नहीं देखो, तो जैसे दृष्टि सबके लिए सामान्य है, भूख सबके लिए सामान्य है, ऐसे थोड़ी होता है कि अमीर आदमी की भूख अलग होती है और सुअर की भूख अलग होती है, एक ही भूख है, और क्षुधा शांति सबके लिए सामान्य है। कोई ढोकला खा के क्षुधा शांति करता है और कोई पापड़ खा के करता है, सवाल यह है क्षुधा शांति और क्षुधा सबके लिए सामान्य है। साधु संत इस समष्टि के साथ तादात्म्य करके रहते हैं। जो भागवत में कथा आती है ना, भगवान ने द्रौपदी के थाली से बचा हुआ चावल खा करके, उससे क्या पता चलता है मॉरल ऑफ द स्टोरी, उस समय भी लेडीज बर्तन ठीक नहीं धोती थी, यदि वो ठीक से धोती तो उसमें कहीं थोड़ा चावल का दाना कैसे रह जाता। तो ये सभी लेडीज ने वहां से लिया है, द्रौपदी की संतान। तो उन्होंने एक चावल का दाना खाया और दुर्वास ऋषि के साथ आए हुए 60,000 लोगों के पेट भर गए, कैसे संभव है।
क्योंकि उनका तादात्म्य एक देह विशेष से नहीं था, ये उसका तात्पर्य है। इस प्रकार से ब्रह्मात्मय के बोध की यह बीच में की कड़ी है। ये होने के पश्चात अब हम लोग तृतीय प्रश्न में प्रवेश करते हैं, उसको हम अगले सत्र में लेंगे, अभी केवल हम पढ़ते हैं। अथ हैनम कौशल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ भगवन् कुतेश प्राणो जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केन उत्क्रामते कथम बाह्यम अविदत्ते कथम अध्यात्ममिति, इसको हम अगले सत्र में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।